गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे वी स्टार्ट द पोएम आर्ट एंड फर्स्ट आएगा कंपोज बाय एडेलिना रिच एंड इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द मेंटालिटी ऑफ अ लेडी हु इज शोइंग हर इरिटेशन बाय हर वर्क ऑफ मेकिंग अ टेपेस्ट्री एंड इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब दैट इन हर होल लाइफ हर हस्बैंड टॉर्चर्ड हर सो मच दैट शी डिड नॉट अपोज एंड व्हाट वाज द मैटर Why did she not oppose her? In fact, that he tortured again and again and overtook to her. And before teaching this poem, I want to describe the theme of this poem. हम अपनी लाइफ में जब किसी का अपोज नहीं कर पाते हैं तो अपनी फीलिंग्स को किसी ना किसी जरिए से शो करते हैं In the same way, it happens with Aunt Jennifer. Remember that she is very old. She has passed a very large part of her life. Now, she has not sufficient strength in her body. When she does any type of work, her fingers vibrate and flutter. And now she is making a tapestry. You should consider one thing very clearly. What is tapestry? Means is that. देखिए कुछ students समझते हैं कि Aunt Jennifer जो है एक pullover knitting कर रही है, एक sweater बना रही है. लेकिन आप बिल्कुल भी इस चीज को mind मत करिएगा कि वो किसी भी तरीके का एक sweater बना रही है. वो एक tapestry बना रही है. Tapestry what? आपने देखा होगा कभी-कभी एक कुछ लड़कियां जो हैं वो इस तरह का एक रिंग होता है और इसमें क्लॉक को फंस देते हैं और यहां पर एक डिजाइन जैसे कपड़े को बनाते हैं. ये जो रिंग है उसको हम हिंदी भाषा में अड्डा अड्डा जैसा वर्ड बोलते हैं. इसी तरीके से जो बड़ी टेपेस्ट्री होती है, जो आंट जेनिफर की टेपेस्ट्री है, वो इस तरह की है. ध्यान से देखिएगा और उस टेपेस्ट्री में आंट जेनिफर क्या बना रही है वो समझिएगा. उन्होंने सबसे पहले इस टेपेस्ट्री में एक बुट बनाया हुआ है. बुट का मतलब होता है बच्चों जंगल. जंगल बनाया हुआ है और उस जंगल में कुछ मैन को दिखाया, लोगों को दिखाया गया है. एंड मैन रिप्रेजेंट पा, इंसान जो होते हैं वो पा को शो करते हैं. और यहां उन्होंने कुछ टाइगर्स को दिखाया है. टाइगर्स को दिखाया है जो इस जंगल में खेल रहे हैं. एंड दीज टाइगर्स आर नॉट फियरफुल फ्रॉम दीज मैन्स. ये जो मैन है, ये जो लोग हैं, इनसे ये टाइगर्स जो है बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं. Why she dictates this scene? What is the meaning of this picture? Simply, ध्यान दीजिएगा. उनका ये है कि जिस तरह से मेरा हस्बैंड मुझे पूरी जिंदगी भर सताता रहा, मैं मैनुअल जो वर्ड है, जो इंसानों का वर्ड है, उससे हमेशा डरी डरी रही. मैं कभी भी जो इंसान है उन्होंने मुझे टॉर्चर करा, मैं उसका अपोज नहीं कर पाई. लेकिन मेरे बच्चे मतलब टाइगर्स, वो टाइगर्स को अपना बच्चा बोलती है. वो कहती है कि जब तक ये टेपेस्ट्री रहेगी, ये टेपेस्ट्री, ये सीनरी रहेगी, तब तक ये जो मेरे बच्चे हैं, जो टाइगर्स हैं, वो खेलते रहेंगे, कूदते रहेंगे और ये सामने मैं भी हूं और इनसे कभी भी वो डरेंगे नहीं. तो कभी भी नहीं डरेंगे. देखिए अगर मैं हुआ, आप हुए, आपके मम्मी पापा अनएजुकेटेड है, तो वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू मेक देयर चिल्ड्रन लिटरेट. अगर हमारे मम्मी पापा अनएजुकेटेड है तो वो अपनी हर तरीके की कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ लिखे, पढ़े, एजुकेटेड बने और अच्छा मुकाम हासिल करें. एक ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्हें
अपने बचपन में बहुत सारी चीजें नहीं मिली, तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे उन चीजों के लिए कभी भी ना तरसे जो हम तरसे थे। बिल्कुल वही चीज यही मैसेज आन जेनिफर देती है कि जिस तरीके से जो मैनुअल पावर का वर्ड है, जहां पर देखिए टू पार्ट्स होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, तो जो मेल पार्ट है वो हमेशा फीमेल पार्ट पर डोमिनेट करता है। डोमिनेट यू नो, हुक्म चलाता है, आप ऐसा मत करो, आप वैसा मत करो। अगर लेडी कुछ करना चाहती है तो उस पर 500 बंधन होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को, अपने कामों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। कभी वो भाई से डरती है, कभी वो पापा से डरती है, कभी वो चाचा से डरती है, कभी वो हस्बैंड से डरती है, कभी बेटे से भी डरने लगती है। तो ये जो एक डोमिनेटिंग वर्ल्ड है, जो किसके द्वारा रन किया जाता है, मेल पार्ट के द्वारा रन किया जाता है, तो वही चीज को वो अपनी फीलिंग्स को यहां पर शो करती है कि जिस तरह से मुझे डोमिनेट किया गया, जिस तरह से इंसानों ने मेरे ऊपर रूल किया, मैं उसका कभी विरोध नहीं कर पाई, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे टाइगर्स हैं, वो इन इंसानों से कभी नहीं डरेंगे। और देखिए यहां पर इंसान है और यहां पर टाइगर्स हैं, वो बिल्कुल भी इनसे नहीं डर रहे हैं और खेल कूद रहे हैं। नाउ आई स्टार्ट द पॉइंट। द होल पॉइंट डिवाइडेड इन द 3 पैसेज बाय 4 लाइंस ईच। ओके, आंट जेनिफर टाइगर प्रिंस, प्रिंस प्रिंस का मतलब होता है कूदना। आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं वो कूद रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन। अक्रॉस अ स्क्रीन मतलब इस टेपेस्ट्री पर। स्क्रीन का मतलब ये जो स्क्रीन है हमारा, ये इस पर खेल रहे हैं, ये आंट जेनिफर के टाइगर्स, ये कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं। ब्राइट टोपाज, ब्राइट मींस चमकीला, और टोपाज होता है एक जेम, जेम का मतलब होता है रत्न, जो उंगली में पहनते हैं। टोपाज ब्लेड आता है, आपने देखा होगा, तो उसका भी मतलब वही होता है, रत्न, एक तरीके का चमकीला पत्थर। टोपाज का मतलब चमकीला पत्थर। अब आंट जेनिफर ने अपने टाइगर्स को चमकीला क्यों बोला है? आपने देखा होगा टाइगर्स जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, उनपे ऐसे लाइन लाइन से क्या होती है, स्ट्रीक्स होती हैं, धारियां होती हैं। ब्राइट टोपाज डेंजियंस। अब देखिए आप छोटे छोटे क्लासेस में रहे होंगे, एलिमेंट्री क्लासेस में, तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा डेम, और डेम का मीनिंग होता है गुफा, और ये जो डेंजियंस वर्ड है वो गुफा में रहने वाला। अब गुफा में कौन रहता है? यू नो वेल, आपने उस पिक्चर में देखा होगा कक्षा एक या दो में कि गुफा है और गुफा में एक शेर बैठा हुआ है, टाइगर्स बैठे हुए हैं। तो ये जो टाइगर्स हैं कहां रहते हैं? डेंजियंस में रहते हैं, गुफा में रहते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझ में आएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें एक क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है, जब पॉइंट का लास्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब वर्ड्स ऑफ ग्रीन, पहले तो उन्होंने बोला कि ये डैम में रहते हैं, और वर्ड ऑफ ग्रीन का मतलब वुडलैंड, वुडलैंड का मतलब होता है जंगल में रहते हैं, और ये जो हमारे टाइगर्स है कहां पाए जाते हैं? जंगल में पाए जाते हैं। अभी टू लाइंस कंप्लीट हुई है, नाउ आई प्रोसीड टू थर्ड लाइन। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अगेन आंट जेनिफर सेज कि ये जो टाइगर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं उन इंसानों से जो इस पेड़ के नीचे हैं। इस पेड़ के नीचे जो मैन है, इनसे ये टाइगर्स बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं। क्यों नहीं डर रहे हैं? क्योंकि आंट जेनिफर ने उनको विल पावर दिया है, हिम्मत दिया है, डेयरिंग दिया है कि जिस तरह से हम डरते रहे वैसे मेरा बच्चा कभी नहीं डरेगा, मेरा बच्चा शेर बनेगा, शेर है और शेर रहेगा। लास्ट लाइन ऑफ दिस पैरा, दे पेस, पेस का मतलब होता है चलना, देखिए आज इस तरह से आगे इन स्लीप, स्लीप का मतलब शर एकदम से बहुत तेजी के साथ, कभी यहां कभी वहां। कमलरी, कैवलरी का वर्ड मीन्स होता है बहादुरी से, बहुत बहादुर है ये टाइगर्स,
इतनी बहादुरी शो करते हैं कभी इधर कभी उधर, और इंसान से तो इंसान के किसी से भी नहीं करते। सर्टेनिटी, उनके बहादुरी में निश्चित रूप से वो बहादुर है, निश्चित रूप से वो नहीं कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो इंसानों के सामने उस स्क्रीन पर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। नाउ आई प्रोसीड टू द सेकंड पैराग्राफ। समझ में आया? अगर समझ में ना आए तो सीधा सीधा मुझे कॉल कर सकते हैं, आप कॉल कर लीजिए। आर जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर फूड? हियर इज द क्वेश्चन, हु विच हैज आस्क्ड सो मेनी टाइम्स इन द एग्जामिनेशन, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? कि आंट जेनिफर की उंगलियां क्यों कांप रही हैं? ये क्वेश्चन कई बार आया है, दो नंबर में भी आ जाता है और एक्सट्रैक्ट में भी एक नंबर में आ जाता है, और कई बार पूछा गया, आप देख सकते हो। देखिए इसके कई एक रीजन है। सबसे पहला, वो बुजुर्ग हो चुकी है, बहुत ही बुजुर्ग है, जिसकी वजह से उनकी उंगलियां वाइब्रेट कर रही है, काम कर रही है। दूसरा पॉइंट, वो टेपेस्ट्री बना रही है तो विद द हेल्प ऑफ जो आयरन स्टिक्स होती हैं, जिन्हें सलाइयां बोलते हैं, उनकी मदद से ऐसे 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 चला रही हैं, तो जिसकी वजह से उनकी उंगलियां काम कर रही हैं। थर्ड, सी इज साइकोलॉजिकली इल, दिमागी रूप से वो बीमार हो चुकी हैं। क्यों? आपको पता है, मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया है, वो मैनुअल वर्ल्ड से डोमिनेट रही हैं, जिसकी वजह से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उस डर की वजह से उनकी उंगलियां कांप रही हैं। एक क्वेश्चन है, तीन जवाब है, इन तीनों जवाबों में, इन तीनों आंसर्स में आप कोई भी लिख देंगे, सब सही हो जाएंगे आपके। नाउ आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, वूल मानी ऊन, जैसे जैसे उंगलियां चल रही हैं वैसे वैसे उनकी ऊन चल रही है, उस टेपेस्ट्री को बनाने के लिए, देख लीजिए टेपेस्ट्री बनाई मैंने। फाइंड इवन द आइवरी निडिल, देखिए आइवरी होता है व्हाइट कलर, वैसे हाथी दांत को भी बोलते हैं आइवरी, क्योंकि हाथी दांत सफेद होता है, और जो सलाइयां होती हैं, जो निडिल होती हैं, वो भी व्हाइट व्हाइट होती हैं, ग्रे कलर की होती हैं, आपने देखा होगा, लेकिन हमारे यहां पर सलाइयां बिल्कुल आइवरी कलर की, सफेद कलर की। आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, अब आप जानते हो सलाइयों में कितना वजन होता है, बहुत ही कम होता है, ना के बराबर, लेकिन वो ना के बराबर भी वजन आंट जेनिफर सहन नहीं कर पा रही, वो उनके हाथ में बहुत ही हैवी लग रहे हैं, उनको हैवी लग रहे हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, ध्यान दीजिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैं यहां पर एक ये रिस्ट वॉच पहने हुए हूं, जैसे ही हमारी रिंग एंगेजमेंट सेरेमनी होती है तो लड़का पक्ष लड़की को या तो रिंग पहना देता है, या कोई गोल्ड का हुआ, सिल्वर का हुआ, प्लेटिनम का हुआ, यहां पर एक बैंगल दे देता है, कड़ा दे देता है, बैंड दे देता है, इस तरह से पहनने के लिए। वो ये निशानी होती है कि देखिए हमारी प्यार की या शादी की निशानी है कि हमने आपको ये बड़े सम्मान के साथ गिफ्ट किया। बिल्कुल ऐसे ही आंट जेनिफर के हस्बैंड ने भी शादी होने से पहले रिंग सेरेमनी में उनको एक बैंड दिया था, बैंगल दिया था, वो बैंगल आज भी आंट जेनिफर के हाथ में है, लेकिन आंट जेनिफर उस बैंगल को वियरअप नहीं कर पा रही, वो उस बैंगल को निकालकर फेर देना चाहती है, लेकिन ऐसी क्या परिस्थितियां हैं, क्या कंडीशन है कि वो उस बैंगल को कभी नहीं निकाल पाए। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आंट जेनिफर अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती रही, हद से ज्यादा उन्होंने प्यार किया हो, लेकिन उनका हस्बैंड उनके प्यार को कभी समझ नहीं पाया, और हो सकता है वो किसी और को प्यार करता। लाइफ का है यार, लाइफ में ये होता है, हम किसी को प्यार करते हैं, वो साला किसी और को प्यार करता है, अब वो जिसको प्यार करता है वो किसी और को प्यार करता है,
हो सकता है ऐसी सिचुएशन बनी हो कि आंट जेनिफर अपने हस्बैंड को प्यार करती हो, वो किसी और को प्यार करता हो, अब वो भी डिप्रेशन में हो जिसकी वजह से वो आंट जेनिफर को टॉर्चर कर रहा है। तो लेकिन फैक्ट ये है कि आंट जेनिफर अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो आंट जेनिफर के हाथ में जो बैंड है वो बहुत ही हल्का है, गोल्डन बैंगल जो होता है कितना वजन होगा, मुश्किल से 5 ग्राम का होगा, 10 ग्राम का होगा, 10 ग्राम से तो ज्यादा नहीं हो सकता, बहुत हो गया 10 ग्राम से। तो वो वजन वो बियरअप नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं बियरअप कर पा रही है? क्योंकि वो माइंडली डिस्ट्रैक्ट है, वो परेशान है, वो साइकोलॉजिकली इल हो चुकी है, उन्हें इतना डोमिनेट किया गया, इतना टॉर्चर किया गया है कि वो उस कड़े को निकालकर फेंक देना चाहती है। लेकिन भाई क्या करें, बॉयज के लिए एक बॉय है किसी लड़की को बड़ी मोहब्बत करता है, वो लड़की 10 बार उसको मना कर देगी लेकिन फिर भी पीछे पीछे जरूर जा रहा है। तो यही चीज होती कि भैया प्यार कर रहा है, इसी इस बिल्कुल यही सिचुएशन है आंट जेनिफर की। हस्बैंड ने बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करा, इवन दो सी लव्ड हिम वेरी वेरी मच। नाउ आई प्रोसीड टू द लास्ट। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। हम लोग मौत से डरते हैं लेकिन ये हमें मौत ही तो होती है जो सुकून देती है। थिंग ऑफ ब्यूटी में हमने आपको पढ़ाया। इन द सेम वे आंट जेनिफर डिस्क्राइब्स व्हेन हर डेथ विल कम, ऑल हर सफरिंग एंड सॉरो विल एंड अप। जब मौत आ जाएगी आंट जेनिफर को तो उनके सारे दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगे। स्टिल रिंग विद ऑडियंस सी वाज मास्टर्ड बाय। लेकिन मरने के बाद भी स्टिल रिंग्ड ऑडियंस, ऑडियंस में बुराइयां बंधन अभी भी उसके हाथों में रहेंगे। सी वाज मास्टर्ड बाय, जिनके द्वारा उस पर अधिकार चलाया गया था। देखिए मरने के बाद भी कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो निभाए जाते हैं। तो आंट जेनिफर के दुख तो खत्म हो जाएंगे लेकिन वो रिलेटिव, वो चीजें उसका गवाह रहेंगे कि आंट जेनिफर को कितना सताया गया था। यहां पर आपकी पोइम खत्म हो जाती है। लेकिन लास्ट की जो टू लाइंस हैं, दीज टू लाइंस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द होल पोइम। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आप यहां पर देखिए, यहां पर द टाइटल्स इन द पैनल दैट शी मेड। आंट जेनिफर तो मर जाएंगी, बिल्कुल मर जाएंगी, लेकिन जो उन्होंने टाइगर्स बनाए इस पैनल में विल गो ऑन प्रेसिंग, कूदते रहेंगे प्राउड एंड अनअफ्रेड, घमंड के साथ, सम्मान के साथ और बिना किसी के डरे। अगेन आई टेल यू द सेम, आंट जेनिफर खत्म हो जाएंगी लेकिन उसके जो बच्चे बनाए हुए हैं, जिस तरह से आंट जेनिफर पूरी जिंदगी डोमिनेट की गई इंसानों के द्वारा, लेकिन आंट जेनिफर के साथ वो किया गया लेकिन उनके बच्चों के साथ कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो इनसे डरते नहीं है, वो डेयरिंग है, वो करेजियस है, वो अलर्ट है। ओके फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज कॉल मी विदाउट हेजिटेशन और डाउट। Thank you for watching this. Thank you very much.